बस्ती में कलयुगी बेटे ने अपने ही बाप की रुपयों को लेकर कुदाल से वार कर हत्या कर दी। बैंक के लोन के पैसों को जमा करने के विवाद में बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। शौच के लिए निकले बुद्धिराम को रास्ते में बेटे ने कुदाल से हमला किया। शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत कलयुगी बेटे रणधीर ने कुदाल से वार कर बैंक के केसीसी लोन जमा कराने को लेकर कुछ दिनों से विवाद हो रहा था। मृतक के नाम से रणधीर ने लोन लिया था, जिसे जमा करने के लिए विवाद हुआ। पेड़ को बेचकर मिले रुपए लोन के खाते में जमा करने लेकर विवाद में घटना सूचना पाकर पहुंचे एसएचओ लालगंज विजेंद्र प्रसाद पटेल ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रहे हैं। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी, सीओ प्रीति खरवार पहुंचे घटनास्थल पर। बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के शोभन पार गांव का पूरा मामला। दिनांक 12/6/2023 को थाना लालगंज अंतर्गत ग्राम शोभन पार से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बुद्धिराम उम्र 65 वर्ष का, जिसको उसके पुत्र सुधीर उम्र 48 वर्ष द्वारा हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल लालगंज पुलिस, मेरे व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम और अन्य विशेषज्ञ टीम द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण कर आवश्यक जांच की गई है। थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य विधि कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।